हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मेरी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी ऑलमोस्ट डन है। तो जैसा कि गर्ल्स जो होती है उन्हें घर में काम करना ही पड़ता है, और चाहे वो इनका एग्जामिनेशन हो या फिर ऐसे रेगुलर डे हो, काम तो हर किसी को करना ही पड़ता है। और मैं तो एक विलेज से बिलोंग कर रही हूँ, तो मेरे घर में से कुछ एक्स्ट्रा ही काम होते हैं। जैसे कि हमारे पास खुद के गाय भैंस हैं, फिर से खेत है, तो खेती के भी काम करने पड़ते हैं। तो गांव में तो और ज़्यादा काम होती है, तो हमें कैसे मैनेज करना है पढ़ाई के साथ साथ स्टडी को, कैसे मैं मैनेज करती हूँ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि अगर मुझे खाना बनाने का जो मेरा वक्त होता है उसे मैं कैसे प्रोडक्टिव बनाती हूँ, उसे कैसे यूटिलाइज करती हूँ, और एक एक ही समय में मैं दो काम कैसे कर लेती हूँ। तो अभी मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि मुझे आमलेट खाना है, और मैं नॉनवेज, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं कुछ नहीं खाती हूँ। और लेकिन ठंड का मौसम है तो मेरी मम्मी को एक देना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझे बोला है। आज मैं उसके लिए ऑमलेट बनाने जा रही हूँ, क्योंकि पिछले 10 दिन से मैंने कुछ भी काम नहीं किया, तो आज मैंने सोचा कि मम्मी के लिए भी कुछ किया जाए। तो मैं दिखाती हूँ कि अगर मैं बना रही हूँ कुछ, तो कैसे उसे हम लोग उसे प्रोडक्टिव वे में कर सकते हैं। सो गाइज, जब भी मुझे घर के काम होते हैं तो सबसे पहले तो मैं मैंने पिछले दिन जो भी पढ़ा हुआ है तो उसकी मैं वीडियो सर्च करती हूँ। मान लो कि मैंने नवंबर का या फिर दिसंबर का मैंने पिछले दिन करंट अफेयर्स पढ़ लिया, तो अब उसे रिवाइज करने के लिए मैं अलग से समय दूंगी। इससे अच्छा क्या होता है कि मैं यूट्यूब पे जाती हूँ। यूट्यूब पे गई और मैंने जैसे कि आज ये स्टार्ट किया था, मैं दिखा देती हूँ। तो ये जीके टोरेंडो है, आई होप आपको दिख रहा होगा, जीके टोरेंडो की वीडियो है। तो मैंने अभी तक दिसंबर चयन कर लिया है, नवंबर अक्टूबर, और मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि मैंने अड्डा के कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज मैंने स्टार्ट किया है जीके टोरेंडो, और ये बार बार मैं मल्टीपल रिविजन इसलिए करती हूँ ताकि मल्टीपल रिविजन करने से आपके आपके पास वो ज़्यादा देर तक रिटेन रहता है। तो मैंने इस वीडियो को निकाला जो मुझे रिवीजन करना है, और मैं इसे साथ ही साथ ऑन कर लूँ, ठीक है। और मैं इसे जहाँ पे भी मैं खाना बनाने जा रही हूँ वहाँ पे ऐसे मैं प्लेस कर देती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे बनाना है तो एक साइड में मैं इसे यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। अब मैं इधर काम करते रहूंगी और इधर अपना वीडियो भी देखते रहूंगी। तो अगर 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे काम करना है तो मेरे 1-3 से 2 निशान हो जाते हैं, और ये मैं बहुत दिन से करते आ रही हूँ, तो इसकी मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हो, मेरा माइंड बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। और जो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं उसे काम करते वक्त अगर आप रिवाइज कर लोगे तो बहुत ज्यादा आपको आसानी होगी। तो जैसे कि मैंने अभी वीडियो ये चला दिया है और मैं बनाने जा रही हूँ आमलेट। यहाँ पे मैंने ले लिया है, अभी मैं इसे पॉज कर देती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं आपको बता रही हूँ तो इस वजह से अभी मैंने इसे पॉज कर दिया, वरना मैं पूरा इसे देखती हूँ। और स्पीड में आपको मतलब कि 2x की स्पीड में मैं देखती हूँ, ओके। तो आप भी चाहो तो 2x की स्पीड में या फिर नॉर्मल स्पीड में देख सकते हो। सबसे पहले मैं मिर्च को छोटे छोटे पार्ट में काट लेती हूँ। सो गाइस, मैं पहले इसे छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ। गाइस, हमारे पास 2 अंडे हैं तो मैं 2 अंडों का ऑमलेट बनाने जा रही हूँ। तो इस तरह से मैं प्रोडक्टिविटी के साथ साथ काम करने के साथ साथ अपना पढ़ाई भी साथ ही साथ कर लेती हूँ। तो अभी वीडियो शूट हो रहा है, इस वजह से मैंने वीडियो अपना नहीं चलाया है।
इसमें मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, प्याज और ओनली हरी मिर्च, और इसमें थोड़ा सा मैं अब नमक ऐड करूंगी। तो मैंने गाइस इसमें थोड़ी सी ही नमक ऐड कर दी, थोड़ा सा तो बहुत ही सिंपल है। आप पढ़ाई के साथ साथ, आप काम करने के साथ साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हो, और आपका समय भी वेस्ट नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो अभी मैं आपको मिलती हूँ ऑमलेट बनाने के बाद, और दिखाती हूँ कि बनने के बाद ये कैसा है। और फर्स्ट बार मैंने ऐसा कुछ ट्राई किया है, तो आप बताना कि ये वीडियो। तो गाइज ऐसे आपको जैसे अभी आप बना रहे हो, तो साथ ही साथ आप मोबाइल अपना ऑन कर लो, वीडियो चला लो, और साथ ही साथ उस पर भी फोकस करना है, और यहाँ पे भी फोकस बराबर रहनी चाहिए। तो आपका रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा, और आपका काम का काम हो जाएगा, और मम्मी से डांट भी नहीं पड़ेगी। तो 2-in-1 काम आपका ऐसे हो जाएगा। तो अभी मैं देखती हूँ कि ये ऑमलेट बन के कैसा इसका कलर आता है और क्या आता है। गैस टूट गई, और साथ ही साथ मैं वीडियो भी देखते रहूंगी। तो गाइस मैंने ऑमलेट बना लिया है, आप बताना कि मैंने कैसा बनाया है। और ऐसे ही आप भी करना, और काम के साथ साथ पढ़ाई की जा सकती है। जो लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि मुझे बहुत सारे काम है, तो वो एक्सक्यूज नहीं देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, एंड अपना ख्याल रखना और स्टडी अच्छे से करना। थैंक यू।